हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के तरुण चुग, आपको बता दें यहाँ पर कुंदन ग्लोबल स्कूल में पहुंचे हैं। भाई भरत भूषण के प्रोग्राम है, यहाँ पर वृक्षारोपण का प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से राष्ट्रीय बीजेपी के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय में जनरल सेक्रेटरी है तरुण चुग। तो अंदर अभी अंदर चलिए, अंदर तो पहुंचे हैं। तो फ्लैट के तौर में तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी दिखाओ यार। हाँ, तो देखिए तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। कोशिश रहेगी, देखिएगा यहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछेंगे इनसे भी कि किस तरीके का प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर बल्लभगढ़ से आपको बीजेपी के उम्मीदवार है, बीजेपी के उम्मीदवार की टिकट मांग रहे हैं। मतलब सीधा सीधा कहें कि भाई भरत भूषण, भाई भरत भूषण उनके साथ आपको बता दूं, उन्हीं के स्कूल में ये ग्लोबल स्कूल में पहुंचे हैं तरुण चुग, राष्ट्रीय महासचिव है। फिलहाल के तौर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। आज बहुत सारी चीजें पूछेंगे कि फरीदाबाद की बीजेपी में क्या महत्व रखता है यहाँ का, बहुत सारा, क्योंकि अभी विधानसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इसको लेकर भी इनका यहाँ पर आना, कई जगह आपको बता दूं जगह जगह पहुंचना भी अपने आप में मायने रखता है। और फिलहाल के तौर पर देखिए बल्लभगढ़ से बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, बीजेपी से उम्मीदवारी दावेदारी रख रहे हैं भाई तरुण चुग, भाई भरत भूषण। तो फिलहाल के तौर पर देखिएगा तरुण चुग यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पहुंचे हैं फिलहाल के तौर पे आगे से। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ो फोन को, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, देखिएगा कोशिश, चलिए तो कोशिश है उनसे वहीं भी पूछेंगे, आइए आइए। हाँ, क्योंकि आज वृक्षारोपण है और सभी सीधा सा मोदी साहब का सीधा सीधा एक आई फिलहाल मुहिम चालू की है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम से लगाइए। तो माँ के नाम से एक पौधा हर आदमी लगा रहा है। तो देखिएगा इन्हीं को देखते हुए आज यहाँ महासचिव पहुंचे हैं, तो कोशिश करेंगे पूछेंगे भी यहाँ पर फिलहाल के तौर पर। साथ में आपको बता दूं यहाँ पर फरीदाबाद के निवर्तमान वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी भी यहाँ पर हैं, तो ऑलरेडी देखिए वेलकम करेंगे इनका, बुके देखिए इनका वेलकम करेंगे। इधर रहा कर यार, कर रहा है। तो देखिए जिस तरीके तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, छोड़ो कोशिश रहेगी मैं आपको वो दिखा सकूं। देखिए फिलहाल के तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी देखिए देवेंद्र चौधरी ने भी बुके देखे इनका स्वागत किया है। तो देखिए जिस तरीके से तमाम साथी, आज की अच्छी बात है क्योंकि लगातार जिस तरीके से मोदी साहब की जो मुहिम है कि एक पौधा एक वृक्ष, एक कहते हैं कि एक माँ के नाम से, अपनी माँ के नाम से लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी जब पेड़ पौधा बड़ा होगा तो आपकी तरह माँ की तरह आपको आपको छत्र छाया देगा। आपको बता दूं जितने भी आपकी रक्षा करेगा, तो बहुत सारी इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर कुंदन ग्लोबल स्कूल में पहुंचे हैं भरत भूषण, इनका वेलकम कर रहे हैं। देखिएगा फूल माला के साथ इनका वेलकम किया गया है, बुके दे के वेलकम किया गया है, बच्चों द्वारा टीका करके इनका वेलकम किया जा रहा है। देखिएगा तो देखिए जिस तरीके से तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छी बात है। भाई भरत भूषण आपको बता दूं फिलहाल में फरीदाबाद के और कहते हैं कि बल्लभगढ़ विधानसभा से एक चर्चित चेहरा है, कहते हैं समाज से जुड़े हुए चेहरा है, बताए लगे हैं समाज के बीच में, जनता की समस्याओं को सुनने में लगे हैं। तो कई सारी चीज़ें इस बार बीजेपी से अपनी दावेदारी रख रहे हैं कि भैया इस बार अगर मुझे टिकट देते हैं तो बहुत कुछ बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए काम करेंगे। तो फिलहाल के तौर पर भरत भूषण आपको बता दूँ उनका ही स्कूल है यहाँ पर, तो शिक्षाविद भी हैं, टीचर भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए पढ़े लिखे चेहरा भी है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, फरीदाबाद पहुंच कर आज वृक्षारोपण करेंगे क्योंकि मोदी साहब की जो मुहिम है। देखिए कमल का फूल, देखिए ये देखिए वेलकम किया जा रहा है, ये देखिएगा क्योंकि कमल का निशान बीजेपी का खुद का है, तो कमल का फूल देखकर इनका वेलकम किया गया है। साथ में देखिएगा सीएम साहब के ओएसडी राजीव जेटली भी हम मौके पर हैं। तो चलिए चलिए भैया, चलिए चलिए, हाँ ले लीजिए, आइए। वो पेड़ सब बड़े सारे, वो शॉर्ट में पेड़ लगवा देंगे सर प्रोग्राम। जी सर, आज फरीदाबाद आगमन हुआ है और एक पेड़ माँ के नाम, कैसे देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण दिवस के शुभ दिन पर पूरे देश को आह्वान किया कि हमें विश्व की रक्षा के लिए, मानव जाति के विकास के लिए हर नागरिक को एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाना चाहिए। और ये पेड़ अगर आपके साथ मां है, मां के आशीर्वाद में है, तो मां को साथ लेकर, और अगर मां इस दुनिया से बाहर से आशीर्वाद दे रही है तो मां की तस्वीर लेकर एक पेड़ लगाना चाहिए।
और ये मुहिम आज पूरे देश में चल रही है। देश के नागरिक अलग अलग स्कूल, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सामाजिक संगठन इसमें आगे आए हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ लोग जुड़े हैं। आज मुझे गर्व है कि आज विश्व के अंदर पर्यावरण का नेता भारत है। आज विश्व की पर्यावरण नीति को कोई प्रभावित कर रहा है तो भारत है, क्योंकि भारत के डीएनए में नेचर के प्रति एक अलग तरह का झुकाव, अलग तरह का प्रेम, एक अलग तरह का जुड़ाव है। हम लाखों सालों से नेचर की पूजा करने वाले लोग हैं। जल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये हमारे रक्षक हैं। ये हमें वेदों और पुराणों में सिखाया गया है। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें इन्हें मित्र कहा गया है, इन्हें देवता कहा गया है। और आज विश्व के अंदर ये संदेश देने में भारत कामयाब हुआ है और मैं आज बधाई भी देता हूं 140 करोड़ भारतीयों को कि हमारे नेता, भारत के नेता, देश के प्रधानमंत्री आज वो ट्विटर पर यानी एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के श्रेणी में पहुंचे हैं। ये भारत की विजय यात्रा है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला नेता भी भारत का है। लेकिन सर लोकसभा में 50-50 है, भारत का है। और प्रधानमंत्री एक वैश्विक नेता है, विश्व की नीतियों को प्रभावित करते हैं। आज विश्व के अंदर भारत की चमक दमक उनके 2014 के कार्यकाल से बड़ी है और निश्चित रूप से उन्होंने देश के गरीबों को सामने रखकर गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया है और आज जनता का आशीर्वाद स्पष्ट दिख रहा है। सर वृक्षारोपण है, 50-50 है, आगे विधानसभा के चुनाव है, क्या कुछ तैयारी, किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? ऐसा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से 10 करोड़ ज्यादा वोट मिले। जनता का आशीर्वाद, चाहे वो विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभाएं हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है। आज देश में लगभग 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकारें हैं। पर जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो लोग झूठ की राजनीति चला रहे हैं, उनको इस देश की जनता ने अभी भी 3 डिजिट में सीटें नहीं दी। इतना झूठ, इतनी नफरत की राजनीति, इतनी भ्रम की राजनीति के बाद भी उनका आंकड़ा 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाया है। ये सबक है कि 3 बार जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया और 3 डिजिट पार नहीं करना। सर हरियाणा में भी चुनाव है, बावजूद अहंकार चरम पर है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह कल 25 जून को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा फैसला है। जिन्होंने ऑर्डिनेंस जारी हुआ है 25 जून को अगली बार से, लेकिन 25 जून का फैसला हुआ है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दिन है कि जिन्होंने 25 जून 1975 को देश के संविधान को कुचल दिया, जिनके अहंकार ने नागरिकों के अधिकार छीन लिए, बोलने के अधिकार छीन लिए, देश के अंदर लगभग 1.5 लाख नागरिकों को मीसा में बंद कर दिया, मीडिया की आवाज, नागरिक की आवाज, समाचार पत्र की आवाज सब बंद कर दी, पत्रकारों को, सामाजिक नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को जेल में बंद कर दिया। ये 25 जून 1975 के काले अध्याय को हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। सर हरियाणा में कोई देश के अंदर दोबारा इंदिरा गांधी जैसा तानाशाना पैदा हो सके जो देश के संविधान को और नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन ले। हरियाणा में भी सर, हरियाणा में भी इलेक्शन है, हरियाणा में भी इलेक्शन है। ऐसा है कि आपने कहा कि कांग्रेस कह रही है अघोषित एमरजेंसी है, देश के अंदर
एक भी पत्रकार बताइए जिसे जेल में भेजा हो, एक भी व्यक्ति बताइए जिस पर बिना केस के मिसा लगी हो और उन्हें अपना चेहरा बार बार आईने में दिख रहा है, भयानक है। 1,60,000 लोगों को मिसा में भेजा, अखबार बंद, टीवी बंद, यहां तक कि किशोर कुमार कौन सा गाना गाएंगे, किसकी पिक्चर दिखाई जाएगी, देश के अंदर कौन सांस लेगा कौन नहीं लेगा, वो तय करके नागरिकों के अधिकारों को कुचलने वाले आज प्रश्न। हरियाणा में इलेक्शन, हरियाणा में इलेक्शन, हरियाणा में, हरियाणा में इलेक्शन, किस चेहरे पर रहेंगे इस बार सर? चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, तमाम ऐसा है कि लगातार कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पर प्रश्न खड़े करने शुरू किए और कुछ प्रश्न खड़े करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और हरियाणा कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन। अब ये कहीं भी लगाया जाए ये चलने वाला नहीं है। जिन मापदंडों पर वो राजनीति करना चाहते हैं, जनता जातिवादी के नाम पर अब उनको छोड़ चुकी है। उनको छोड़ के आए नेता लगातार अंदर की कहानियां जो बता रहे हैं आपके सामने, मीडिया के सामने, किरण चौधरी जी ने जो कहा लगातार, ये जो नेता आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो अंदर की कहानी बता रहे हैं। अंदर इतनी घुटन है, आप विजय की बात कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं हरियाणा की जनता को जानता हूं, मैं लगातार यहां पर कई सालों से पार्टी का काम करने आता रहा हूं। कांग्रेस पिछले गणित से भी कम सीटें लेकर जाए। तमाम साथी मासा तो तमाम साथी मासा जुड़े हैं कि आपको बता दूं फिलहाल के दौर में तमाम साथी मासा तो देखिए जिस तरीके से आप देखिएगा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है फिलहाल में तमाम साथी मासा अरे उसको दिखाते नहीं आ रहे हैं तो फिलहाल में देखिए जिस तरीके से साथी मासा जुड़े आइए चलिए कोशिश करते हैं कि तो देखिए आइए आज बता दूं आपको ग्लोबल स्कूल में पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और फिलहाल में वृक्षारोपण करेंगे। एक पौधा माँ के नाम से लगाया जाए इसमें एक मुहिम बीजेपी की जो मुहिम है वो मुहिम को यहाँ पर जागृत करने की कोशिश की गई है तो तमाम साथी मासा के लिए जाने की कोशिश करेंगे तमाम यहाँ पर बीजेपी के ये नेता है क्या कहना चाहेंगे गोल्डी जी? अरे एक बात है एक आपने भी वृक्षारोपण किया है एक बार और लोग हैं यहाँ पर और भी लोगों से पूछेंगे ठीक है तो चलिए कोशिश रहेगी चलिए अपडेट बने रहेंगे मासा क्या लोग बोलते हैं वो भी हम पूछेंगे फिलहाल के दौर पर जब वृक्षारोपण होगा वो भी हम आपको बताएंगे आप देख रहे थे चलिए सिटी न्यूज नमस्कार।